इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसी में एक एग्जांपल है, फाइंड ए बी एंड सी सच दैट एफ एक्स इक्वल टू ये, ठीक है, ये पूरा देख लीजिए आप, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। और ये सवाल देखिएगा क्या कि ये सवाल जो है ना इस टाइप का हम पहले कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। देखिए एक्स लेस देन जीरो के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आएगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ये अलजेब्रिक है जिसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, जो हम पहले बता चुके हैं, एक तरह से रिपीटेशन आपका। तो जीरो पर एल एच एल कैसे निकलता है पता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एच एफ एक्स करते हैं, जीरो माइनस एच लेस देन जीरो हो गया, जीरो से थोड़ा सा लेस हो गया, तो लेस देन जीरो ये है, तो इस टर्म को उठा के रख दिया गया। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है अपने पिछले नॉलेज से, तो हमें क्या करना है कि आप इसको सेपरेट कर लो, साइन सी प्लस साइन डी पर भी जा सकते हो लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, सेपरेट कर लो इसको ऐसे, साइन ए प्लस वन एक्स बाई एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स, तो क्या होगा कि इसकी वैल्यू आपको वन मिल जा रही है, ठीक है। उस तरह यहाँ पर चूंकि एक्स जीरो टेंड कर रहा है तो ए प्लस वन एक्स जो है वो थीटा बनेगा, वो भी जीरो टेंड कर रहा है, तो हमें इसमें ए प्लस वन डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है, तो अब इसकी वैल्यू भी वन हो जाएगी, ठीक है। तो रिजल्ट आएगा वन इंटू ए प्लस वन और प्लस वन, तो रिजल्ट आ जाएगा ए प्लस टू, ठीक है, ये एल एच एल हुआ। आर एच एल में आते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एच एफ एक्स, जीरो प्लस एच मोर देन जीरो हो गया वो यहाँ आ जाएगा, और ये एक्सप्रेशन वहाँ लिख दिया गया आर एच एल में। चूँकि ये स्क्वायर रूट का सवाल है और आपको याद होगा इसको रैशनलाइज करते हैं हम लोग, तो रैशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो कॉन्जुगेट टर्म है ना, दोनों जो टर्म है इरेशनल वाला उसके बीच माइनस साइन है, तो प्लस साइन वाले टर्म से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। इसका इफेक्ट ये आएगा कि न्यूमरेटर हो जाएगा एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, नीचे हुआ बी इंटू एक्स पावर थ्री बाई टू, और इसमें देखिए यहाँ जो है ना इसमें ये रूट एक्स है, इस रूट एक्स को हम बाहर ले सकते हैं, तो रूट एक्स को जब हम बाहर लेंगे तो यहाँ जाएगा अंडर रूट वन प्लस बी एक्स, ठीक है, चलिए इसको ऐसे लिखिए, रूट एक्स इंटू अंडर रूट वन प्लस बी एक्स प्लस रूट एक्स, ऐसे एक स्टेप बढ़ जाऊंगा मैं इसमें। अब ये एक्स और एक्स कैंसिल हो रहा है, ठीक है, बराबर ये होगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो प्लस एच बी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, अब देखिए ये रूट एक्स भी कॉमन आ जाएगा, तो होगा बी इंटू एक्स की पावर थ्री बाई टू, यानी एक्स का पावर वन पॉइंट फाइव, और ये पॉइंट फाइव कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बचेगा अंडर रूट वन प्लस बी एक्स प्लस वन, ऐसे बच रहा है आपका, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आर एच एल का वैल्यू देखिए कितना आएगा, बी वी भी कैंसिल हो सकता है, एक्स टेंड टू यहाँ जीरो डालिए कितना आएगा, रूट वन यानी वन प्लस वन कितना आ जाएगा, टू हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा वन बाई टू, लेकिन उसके लिए बी और बी कैंसिल होना पड़ेगा, है ना, तो बी और बी भी कैंसिल करेंगे, लेकिन उसके लिए कैंसिल होने के लिए आपको बी नॉट इक्वल टू जीरो का कंडीशन लगाना पड़ेगा, यानी कि बी चूंकि कैंसिल हो रहा है तो वो कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है एक्सेप्ट जीरो, जो फाइंड ए बी सी में है बी पर ये हुआ कि बी कैन बी एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट जीरो। अदर वैल्यूज के लिए देखिए जीरो पर जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो कितना है, सी के बराबर, और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ जीरो करेंगे, एल एच एल आ गया ए प्लस टू, आर एच एल आ गया वन बाई टू, और एफ जीरो हो गया सी, ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना हुआ, माइनस थ्री बाई टू, ठीक है, सी तो हाफ आ ही गया, और बी क्या होगा, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। पिछले सवाल जैसा ही एक और सवाल देखते हैं, थोड़ा सा पैटर्न अलग मिलेगा। डिटर्मिन ए बी एंड सी, मतलब वही अननोन क्वांटिटी निकालनी है आपको, जबकि एफ एक्स बराबर वन प्लस एक्स टू पावर वन बाई एक्स फॉर एक्स लेस देन जीरो एंड बी फॉर एक्स बराबर जीरो, एक्स एफ जीरो का वैल्यू बी आ रहा है, ये टर्म थोड़ा चेंज किया हुआ है कि एक्स प्लस सी टू पावर वन बाई थ्री माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का पावर हाफ माइनस वन, वेर एक्स ग्रेटर देन जीरो, कहते ये फंक्शन जीरो पर कंटिन्यूस है तो ए बी और सी निकालिए। तो पिछले सवाल जैसा ही आपको पहले एल एच एल निकालना है, एक्स टेंड टू जीरो माइनस एच एफ एक्स, जीरो माइनस एच लेस देन जीरो के लिए ये ब्रांच उठाना है, और देखिए जब एक्स जीरो टेंड करेगा तो बेस वन टेंड करेगा, पावर इन्फिनिटी, यानी ये वन टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, वन टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म में बेस और पावर सेम वेरिएबल का होता है तो वो डेफिनेशन ऑफ ई पर चला जाता है, जिसका फॉर्मूला है कि वन प्लस टी का पावर वन बाई टी, लिमिट टी टेंड टू जीरो रहेगा तो ये बदल जाएगा ई में, ठीक है, तो उसी फॉर्म में इसको लाइए, ये होगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस एच वन प्लस एक्स, तो इसको t मान लीजिए और पावर ले आएंगे 1 बाई टी ऐसे, ठीक है, और फिर क्या करना होगा, चूंकि 1 बाई एक्स तो पहले से था, 1 बाई ए आपने किया तो यहाँ a कर दीजिए ताकि a a कैंसिल हो, 1 बाई एक्स ये रह जाए, तो रिजल्ट आ जाएगा e का पावर a, एल एच एल निकला e का पावर a, ठीक है, और जीरो पर जो वैल्यू आई है वो तो b है ही,
ठीक है। आरएचएल निकालते हैं, तो आरएचएल हुआ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एच एफ एक्स, जीरो प्लस एच मोर देन जीरो, उसके लिए ये ब्रांच है, इसको उठा कर रख लिए। अब यहाँ क्या है, इसमें भी एक अननोन कांस्टेंट डाल दिया गया, यहाँ आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत है। क्या, जब एक्स जीरो टेंड करेगा तो ये टर्म वन टेंड करेगा, वन माइनस वन क्या होगा, जीरो टेंड करेगा। तो अब न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर के बारे में देखें तो न्यूमरेटर जो है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एच जो है एक्स प्लस सी का पावर वन बाई थ्री माइनस वन, ये टेंड कर जाएगा सी का पावर वन बाई थ्री माइनस वन, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो जीरो टेंड कर रहा है। ठीक है, न्यूमरेटर टेंड कर रहा है सी का पावर वन बाई थ्री, डिनोमिनेटर टेंड कर रहा है जीरो, यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू कुछ इस टाइप से आएगा, सी का पावर वन बाई थ्री माइनस वन भाई अप्रोचिंग जीरो। ठीक है, अब ऐसे केसेस में मेरे पिछले लेक्चर्स में जाकर देखेंगे लिमिट्स के इवैल्यूएशन में कि अननोन टर्म हो, अननोन कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय टेंडिंग टू जीरो, तो इसके दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो ये जीरो हो या फिर ये नॉन जीरो हो। अगर ये नॉन जीरो है तो नॉन जीरो बाई टेंडिंग टू जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, जबकि लिमिट्स का फाइनाइट होना जरूरी है कंटिन्यूस होने के लिए। ठीक है, लिमिट खुद एग्जिस्ट करे उसके लिए उसका फाइनाइट होना जरूरी है, तो क्या होगा, न्यूमरेटर का वैल्यू नॉन जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको जीरो बाई जीरो फॉर्म में बदलने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि बिकॉज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एच, डिनोमिनेटर का लिमिटिंग वैल्यू जीरो है, इसलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एच न्यूमरेटर है, उसका लिमिटिंग वैल्यू भी जीरो ही होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एच, ये जो एक्स प्लस सी का पावर वन बाई थ्री माइनस वन है, इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यानी कि सी का पावर वन बाई थ्री माइनस वन जीरो, तो सी का वैल्यू वन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये तो सी की वैल्यू निकली, इसके बाद आरएचएल में आएंगे, तो आरएचएल ये है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एच, सी का वैल्यू वन, यानी एक्स प्लस सी का पावर वन बाई थ्री माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का पावर हाफ माइनस वन, लेकिन सी तो वन आ चुका अब, यह तो वन कर दीजिए इसको। इसके बाद इस एक्स प्लस वन को टी मान लीजिए, तो अगर एक्स प्लस वन को टी एज्यूम करिएगा तो ये हो जाएगा टी का पावर वन बाई थ्री माइनस वन अपॉन टी का पावर वन बाई टू माइनस वन, और यहाँ लिमिट टी टेंडिंग टू वन हो जाएगा, क्योंकि एक्स प्लस वन को टी मान रहे हैं और एक्स जीरो टेंड कर रहा है तो टी वन टेंड करेगा। ये हो जाएगा टी का पावर वन बाई थ्री माइनस वन अपॉन टी का पावर हाफ माइनस वन, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म का लिमिट हो गया, इसमें टी माइनस वन से डिवाइड कर दीजिए, इसमें टी माइनस वन से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगा आपको, पहला ऊपर का आ जाएगा वन बाई थ्री इंटू वन का पावर वन बाई थ्री माइनस वन, यानी वन रह जाएगा, नीचे आ जाएगा वन बाई टू इंटू वन का पावर हाफ माइनस वन, तो वन ही रह जाएगा, तो रिजल्ट आया वन बाई टू, और ये बदल जाएगा किस में, ये बदल जाएगा टू बाई थ्री में। ठीक है, तो आप देखिएगा कि फंक्शन चूंकि कंटिन्यूस है तो आर एच एल बराबर एफ ज़ीरो बराबर एल एच एल करेंगे, आर एच एल आया है टू बाई थ्री, एफ ज़ीरो बी था, ये हुआ बी, तो बी की वैल्यू मिल गई आपको, एल एच एल है ई का पावर ए, तो जब e का पावर ए टू बाई थ्री के बराबर करेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा एल एन टू बाई थ्री, और c तो वन निकल ही चुका है। ठीक है, इस तरह से a, b, c तीनों वैल्यू मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एक्स पावर टू एन माइनस साइन एक्स बाई एक्स पावर टू एन प्लस वन, टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू वन एंड माइनस वन। अभी तक मैक्सिमम सवाल जीरो पर था, अभी वन माइनस वन पे आया। ठीक है, लेकिन मेथड वही है, पॉइंट कुछ भी रहे, इसको समझने के लिए पहले आपको रिजल्ट देखना पड़ेगा। दो रिजल्ट मैं बोर्ड पर लिखा हूँ, लिमिट एंड टेंड्स इन्फिनिटी ए टू पावर एन। ठीक है, ये बराबर होता है इन्फिनिटी अगर ए वन से ज़्यादा, मतलब यहाँ बेस जो है वन से ज़्यादा, वन पॉइंट वन भी लेंगे ना और पावर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आएगा, वन पॉइंट टू लेंगे तो भी इन्फिनिटी, टू लेंगे तो भी इन्फिनिटी, थ्री लेंगे तो भी इन्फिनिटी, लेकिन ये बेस वन से ज़्यादा में जितना बड़ा करते जाएंगे उसका इन्फिनिटी का साइज उतना बड़ा होते जाएगा। आप इसको इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स में जाकर जरूर देखिए इसको। ठीक है, लेकिन अगर यही ए वन से जरा सा भी शॉर्ट किया, जैसे 0.999 उसका पावर इन्फिनिटी लिखेंगे कितना, जीरो, थोड़ा और छोटा ये 0.9 उसका पावर इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो। ठीक है, लेकिन ये देखिएगा कि एच टेंड्स टू जीरो वन प्लस एच का पावर वन बाई एच, ये ई हो जाता है, इसका फॉर्म है वन टू द पावर इन्फिनिटी। देखिए यहाँ बेस वन टेंड कर रहा है, पावर इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, और इसका रिजल्ट ई लिखा हुआ है। इसमें एक चेंज करता हूं मैं आपको, कि अगर मैं ऐसा लिख दूं कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी तो पहले से है ना, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पहले से है, और इस यहां ए की जगह मैं वन प्लस एच डाल दूं ऐसे, तो देखिए कि ये भी वन टू ए पॉइंट इन्फिनिटी फॉर्म हुआ, चूंकि एच जीरो टेंड कर रहा है
तो हम a की वैल्यू लिए जानबूझकर 1 प्लस एच, ताकि ये 1 से बड़ा दिखे आपको, ये मोर देन 1 हो गया और पावर इन्फिनिटी है, तो वो इसको फॉलो नहीं करेगा, वो इसको फॉलो करेगा। इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, इस बात को क्लियर समझ लीजिएगा, ठीक है। बेस 1 से ज़रा सा भी ज़्यादा हो, पावर इन्फिनिटी है, तो उसको इन्फिनिटी लिखें कि ई लिखें। तो इसका समझने का तरीका है कि बेस और पावर जब सेम वेरिएबल में रहता है तो वो ई में चला जाता है, और अगर अलग अलग वेरिएबल है तो अलग अलग वेरिएबल से क्या होता है, इस इन्फिनिटी का साइज इसकी साइज की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए वो ई पर स्टॉप नहीं करता, क्योंकि इसकी साइज बहुत बड़ी होती है। तो उसका रिजल्ट जो है ई का पावर 100,000,00,000 कुछ इस तरह से होता है, यानी इन्फिनिटी हो जाता है। तो याद रखने के लिए है कि बेस और पावर इंडिपेंडेंट है, तो इसको रिजल्ट फॉलो करेगा, बेस और पावर सेम वेरिएबल में है तो डेफिनेशन ऑफ ई को फॉलो करेगा। बस इसी को ध्यान रखकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, बेस है एक्स में और पावर है एन में, यानी दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो वो इस रिजल्ट को फॉलो करेगा, ठीक है। अब आइए इसमें RHL निकालते हैं। RHL हम एक्स बराबर 1 पे टेस्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, माइनस मत आप पर आप खुद कीजिएगा। RHL हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एच एफ एक्स, ठीक है, यानी लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है, एक्स की जगह 1 प्लस एच लिख दीजिए आप, 1 प्लस एच का पावर कितना 2n, और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी भी है, इसको ऐसे लिखना होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट एच टेंड्स टू 0, इस एक्स की जगह लिखिए आप 1 प्लस एच का पावर 2n माइनस साइन 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच का पावर 2n प्लस 1, ऐसे। अब क्या हो रहा है कि ये टर्म जो है मोर देन 1 में चला गया ना, मोर देन 1 हो गया, और पावर क्या है, इन्फिनिटी। तो ये टर्म जो है समझिएगा कि इसका वैल्यू e में नहीं जाएगा, चूंकि बेस और पावर इंडिपेंडेंट है, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। इसको बनाते कैसे हैं, डिवाइड करके, तो इस टर्म से आप डिवाइड कर लीजिए, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 माइनस साइन 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच का पावर 2n, नीचे हो गया 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस एच का पावर 2n, ठीक है, ये वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक टर्म रहेगा, ध्यान रखिएगा, अल्जेब्रिक जो टर्म होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टैन को छोड़कर, टैन कॉट को छोड़कर, साइन कॉस में रहेगा तो वो तो फाइनाइट नंबर होता है, लॉग रहता है तो लॉग की भी इन्फिनिटी होती है, वो अल्जेब्रिक से छोटी होती है। मतलब ये आप लिमिट्स में जाकर देखिए, अगर ऐसे दिया हुआ हो लॉग एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, अगर एक्स स्क्वायर है तो और भी 0, ठीक है, ये सेंस हुआ, इसका वैल्यू 0 हो जाए, चूंकि एक फाइनाइट नंबर है और ये इन्फिनिटी है, ये 1 बाई इन्फिनिटी, ये 0, ये 0, रिजल्ट कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। RHL इज 1, इसके बाद वैल्यू निकालिए f1, तो a बराबर 1 लेने पर कितना होगा, 1 आ जाएगा। तो जब इसमें x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 रखेंगे तो 1 का पावर 2n कितना होगा, 1 रहेगा, 1 माइनस साइन 1 बाई 1 प्लस 1, तो रिजल्ट आएगा 1 माइनस साइन 1 बाई 2। ध्यान रखिएगा कि एग्जैक्ट 1 पर वैल्यू आपको ये 1 ही ऑप्ट करना है, एग्जैक्ट 1 पर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग LHL में, LHL कैसे निकालेंगे आप, LHL पर आइए, LHL होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एच एफ एक्स, ठीक है। अब इसमें आप 1 माइनस एच डाल दो, या ऐसे भी रख सकते हो, हम तो इसमें h में लिख दिया गया है इसको, लेकिन नहीं भी लिख सकते थे, तो ये बराबर हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 1 माइनस एच लिख दिया गया, 1 माइनस एच का पावर 2n माइनस साइन 1 माइनस एच डिवाइडेड बाई 1 माइनस एच का पावर 2n प्लस 1। अब देखिएगा इसमें कि ये जो बेस है वो क्या है, 1 से कम गया है, शॉर्ट हो गया, 1 से शॉर्ट होने पर वो इस जोन में आ जाएगा, ठीक है, और पावर क्या है, इन्फिनिटी, देखिए पावर इन्फिनिटी है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0, तो 0 माइनस साइन 1 बाई 0 प्लस 1, तो रिजल्ट इसका आ जा रहा है कितना, माइनस साइन 1 आ जा रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है। तो LHL कितना आ गया, माइनस 1, RHL कितना आ गया, 1, और वैल्यू कितना आ गया, कुछ और, देखिए तीन अलग अलग वैल्यू आ रहा है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कंटिन्यूसली फंक्शन नहीं होगा, क्लियर है ना, लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक हिंट है आपके लिए कि पावर जब भी इन्फिनिटी टेंड कर रहा हो किसी टर्म का, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव का एक हिंट है, समझिएगा इसको, कि फंक्शन में किसी भी टर्म का पावर अगर इन्फिनिटी दिया हुआ हो, जैसे यहाँ इन्फिनिटी, हम इसको ऐसे ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर का पावर है इस टर्म को, ठीक है,
सब पे नहीं, किसी एक टर्म पे भी, एज ए होल हो तब भी, किसी एक टर्म पे भी, और पावर इन्फिनिटी है तो बेस जो है उसको वन कर लीजिए, उससे जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वहाँ पर जनरली फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता ही है, जनरली। ऐसे इसके अपवाद हैं, अपवाद बहुत कम है, लेकिन वो मैं बताऊँगा अगले एपिसोड में इसका अपवाद क्या है, लेकिन जनरली ये डिसकंटिन्यूस होता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जैसे ही वन डालेंगे ये टर्म वन रहेगा, ये वन हो जाएगा, जैसे ही वन से थोड़ा सा एक्सीड कराएंगे ये इन्फिनिटी बन जाएगा, जैसे ही वन से थोड़ा शॉर्ट कराएंगे ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो किसी पॉइंट वन पे जरा सा बढ़ाना और इन्फिनिटी में बदल जाना, जरा सा घटाना जीरो में बदल जाना, और वन पर वन रह जाना, तो क्या होता है कि वैल्यू सडनली बड़ी तेजी से चेंज करता है। तो जनरली RHL LHL सब क्या होता है, बदल जाता है, तो प्रायः ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है ना। वैसे इसके अपवाद हैं, मैं दिखाऊंगा, अपवाद बहुत रेयर है, लेकिन मैं दिखाऊंगा अगले लेक्चर्स में, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। कहता है एफ एक्स बराबर एक्स बाई वन प्लस एक्स प्लस एक्स बाई वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस टू एक्स एंड सो वन टू इन्फिनिटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब एक सीरीज है, सीरीज के सवालों में क्या करना होगा, कोशिश कीजिए कि सीरीज का सम निकाल पाइए, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट टेस्ट करने में मुश्किल होगी इसकी। तो आप देखेंगे कि ये जो टर्म है ना, कोई भी टर्म उठा लीजिए, जैसे इन दोनों का, तो इन दोनों का डिफरेंस है एक्स, तो आप न्यूमरेटर को इन दोनों का डिफरेंस करके अलग अलग करिएगा तो दो पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म बनेंगे, ठीक है। उसी को मैं जनरल फॉर्म में कर दिया हूँ कि एन एट टर्म अगर हम लें, है ना, सॉरी आर एट टर्म अगर हम लें, तो फर्स्ट में देखिए यहाँ पर एक्स का टर्म नहीं है, यानी कि एक्स का कॉफिशेंट जीरो है, सेकंड जो है उसमें एक्स का कॉफिशेंट वन है, थर्ड है उसमें एक्स का कॉफिशेंट टू है, तो आर एथ में यहाँ एक्स का कॉफिशेंट कितना होगा, आर माइनस वन, और उसके अगले में आर है, ठीक है। या इसको ऐसे समझिए कि फर्स्ट टर्म लेते हैं तो एक्स का कॉफिशेंट वन है और पहले में एक्स का कॉफिशेंट जीरो है, सेकंड टर्म लेते हैं तो एक्स का कॉफिशेंट टू है उसके पहले वन है, तो आर एट टर्म लेंगे तो सेकंड फैक्टर में एक्स का कॉफिशेंट आर होगा, उसके पहले वाले में आर माइनस वन होगा, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, वन है, है ना, वन मतलब एक्स है, ठीक है, वन इंटू एक्स, तो इस एक्स को इन दोनों का डिफरेंस में लिख देना है और सेपरेट कर दिएगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आप इसी को इंडिविजुअली करेंगे तो इसको लिख सकते हो वन माइनस वन बाई वन प्लस एक्स, ये हो जाएगा वन बाई वन प्लस एक्स माइनस वन बाई वन प्लस टू एक्स, है ना। और ऐसा करने के बाद क्या होगा कि r का वैल्यू वन डालिए पहला आएगा, टू डालिए दूसरा आएगा, है ना, तो r का वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं इसमें वन टू थ्री अप टू n तक, तो एफ एक्स देखिएगा कितना हो जा रहा है, पहला सीरीज जो है t1 द फर्स्ट टर्म वो हो जा रहा है, r का वैल्यू वन डालिए तो ये जीरो हो गया, वन माइनस वन बाई वन प्लस एक्स पहला टर्म, दूसरा टर्म जाइएगा इसमें, इसमें r का वैल्यू क्या डालना होगा, टू डालना होगा, तो होगा वन बाई वन प्लस एक्स माइनस वन बाई वन प्लस टू एक्स, उस अगले में जाएंगे तो आएगा वन बाई वन प्लस टू एक्स माइनस वन बाई वन प्लस थ्री एक्स, ये थर्ड टर्म इसका आएगा। इस तरफ बढ़ते हुए अगर हम nth टर्म में चले जाएं तो होगा वन बाई वन प्लस एन माइनस वन एक्स माइनस वन बाई वन प्लस एन एक्स, ऐसे आएगा, ठीक है। और चूंकि सबका एडिशन है तो देखिएगा ये डायगोनली ऐसे ऐसे कैंसिल होता जाएगा ये इस तरह से, तो फाइनली एफ एक्स की जो वैल्यू निकल कर आएगी हो जाएगी वन माइनस वन बाई वन प्लस एन एक्स, ऐसा, ठीक है। तो ये कन्वर्ट कर रहा है इसमें, अब इसकी कंटिन्यूटी हमको चेक करनी है, कहाँ पर, जीरो पर चेक करनी है, ठीक है। तो आप देखिए कि एफ जीरो कितना आ रहा है, तो एफ जीरो यहीं देख लो, एक्स का वैल्यू जीरो, एग्जैक्ट जीरो है, एग्जैक्ट जीरो वन वन जीरो, एग्जैक्ट जीरो, ठीक है, हर टर्म एग्जैक्ट जीरो, अप्रोचिंग जीरो नहीं, एग्जैक्ट जीरो, तो एफ जीरो कितना आ गया, जीरो। लेकिन जब आप RHL निकालेंगे तो आपको लिखना होगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एच एफ एक्स, या लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स का वैल्यू ये ले लेंगे तो होगा वन माइनस वन बाई वन प्लस एन इंटू एक्स की जगह जीरो प्लस एच डालेंगे जो कि h हो जाएगा एन एच, और आपके सवाल में n जो है वो पहले से इन्फिनिटी दिया हुआ है ना, एन एट टर्म ले लिया गया है और इन्फिनिटी है ना, तो हमको क्या लिखना होगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी भी लिखना होगा ऐसे, ठीक है। तो ये जब इन्फिनिटी हो रहा है और ये जीरो हो रहा है तो ऐसे इन्फिनिटी इंटू जीरो क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, लेकिन चूंकि ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो एक टर्म इन्फिनिटी हो रहा हो दूसरा जीरो टेंड कर रहा हो, और तो ऐसे केस में इसकी वैल्यू इन्फिनिटी ही ली जाती है, इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी ली जाती है। अगर सेम वेरिएबल रहता तो फिर कैलकुलेशन से जाते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन एक टर्म इन्फिनिटी है दूसरा जीरो टेंड कर रहा और इंडिपेंडेंट है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी ही होती है, रिजल्ट आएगा वन माइनस वन बाई इन्फिनिटी यानी कि वन। अब क्या देखेंगे, ये दोनों वैल्यू क्या है, डिफरेंट हो जा रहा है और इसलिए ये क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल देखते हैं हम लोग, कहते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ थ्री प्लस फाइव एक्स, ये जो है
ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ऐसा दिया हुआ है सवाल में, तो कहता है कि जब x का वैल्यू 0 से पाई होगा तो उसमें ये फंक्शन कितनी जगह डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये पता करना है आपको, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये समझिएगा कि ये जो एफ एक्स बराबर इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3 + 5 साइन एक्स है, तो उसमें कंसेप्ट याद होगा कि जो इंटीजर प्लस या माइनस में होता है वो बाहर आ सकता है, तो आप इसको 3 को बाहर कर लीजिए, ये बराबर हो जाएगा 3 + इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5 साइन एक्स, है ना। ये 3 केवल ग्राफ को ऊपर ले जाएगा और कुछ करेगा नहीं, तो इसी पर डिपेंड करता है। अगर ये डिसकंटिन्यूस है तो एफ एक्स डिसकंटिन्यूस होगा, तो हमें क्या करना है, 5 साइन एक्स का जो इंटीग्रल पार्ट है उसकी ग्राफ बनानी है। तो चलिए, ये ग्राफ है साइन एक्स, 5 साइन एक्स का ये ग्राफ है, वाई इज इक्वल टू 5 साइन एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रल पार्ट बनाएंगे हम लोग, कैसे इंटीग्रल पार्ट बनाते हैं याद होगा, किसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पहले देख लीजिए, 0 और पाई पर 0 होगा और पाई बाई 2 का ये मैक्सिमम वैल्यू 5 होगा, उसके बीच में इंटीग्रल पॉइंट्स क्या क्या हैं, तो 0 और 5 के बीच में आएगा इंटीग्रल पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, है ना, और करस्पॉन्डिंग टू इट ईच इंटीजर क्या करते हैं, डॉटेड लाइन खींचते हैं ताकि ग्राफ को वो काटे, जैसे ये 4 है तो 4 से डॉटेड लाइन खींचे, ये यहाँ काटा, फिर आगे जाके इधर भी काटेगा ये, ठीक है, यहाँ काटा और उसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए नीचे और यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट लिख डालिए, ठीक है, लिखेंगे, फिर ये 3 है, 3 के सामने यही काम किए, ठीक है, फिर इसके सामने यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी होगा, है ना, फिर 2 के सामने जाना होगा, यहाँ 2 है, 2 के सामने जाइए, यहाँ काटा, ठीक है, और फिर इसके सामने यहाँ भी जाएगा, इधर भी काटेगा, क्वाड्रेंट में बाद में लिखूंगा, 1 आएगा, 1 के सामने यहाँ आएगा, यहाँ काटेगा, ठीक है, और फिर यहाँ जाके आगे यहाँ भी कहीं काटेगा, ठीक है। तो चलिए ऐसा करते हैं कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कैसे, इसको समझिएगा कि 5 साइन एक्स को y इक्वल टू 1 ने काटा, तो 5 साइन एक्स इक्वल टू 1 होगा, साइन एक्स का वैल्यू आएगा 1/5, यहाँ से x का वैल्यू आएगा साइन इनवर्स 1/5, तो चलिए उसको मान लेते हैं हम x1 मान लेते हैं, तो जैसे यहाँ एक पॉइंट मिला, यहाँ मिलेगा एक पॉइंट, और इसका वैल्यू होगा पाई माइनस x1, ठीक है ना, साइन में थीटा पर जो वैल्यू आता है, पाई माइनस थीटा पर वही वैल्यू आता है, जिसको आप पाई माइनस x1 कह लीजिए। उसी तरह यहाँ जो आएगा 5 साइन एक्स इक्वल टू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5, एक्स रहा आएगा साइन वर्स 2/5, ये हो गया मान लीजिए ये वैल्यू x2, ये जो वैल्यू x2, तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस x2, ठीक है। उसी तरह ये x3 है, ये x4 है, ये पाई माइनस x3 है, पाई माइनस x4 है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये ग्राफ देखिए, इतना 0 से 1 के बीच ये ग्राफ, ये यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पर 5 साइन एक्स 0 है, यहाँ 5 साइन एक्स 1 है, इसके बीच वाला जो पोर्शन, ये जो पोर्शन है उसमें इंटीग्रल पार्ट लगाइए तो किसमें बदल जाएगा, 0 में, मैंने ग्राफ उसका ऐसे हो जाएगा ये 0, ठीक है। लेकिन x1 पे ये 1 हो जा रहा है, कौन, 5 साइन एक्स, तो उसका इंटीग्रल पार्ट 1 ही रह जाएगा, तो यहाँ वैकेंसी दिखाना है आपको। फिर x1 से x2 के बीच में x1 पर आ रहा है 1 और x2 पर आ रहा है 2, तो ये जो 5 साइन एक्स है 1 और 2 के बीच वाला पोर्शन, उसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, 5 साइन एक्स 1 और 2 के बीच में, तो इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा 1, ये, ठीक है। उसी तरह देखिए, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, इसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा 2, ये 3 है और ये 4 है, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा 3, ये 4 है और ये 5 है, इंटीग्रल पार्ट कितना हो गया 4, ठीक है। अब ये इंक्रीजिंग में था, अब डिक्रीजिंग में आते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, तो ये बीच वाला पोर्शन 5 साइन एक्स का, यहाँ पर 5 साइन एक्स, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, तो 5 साइन एक्स का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा 0, किस डोमेन में, यहाँ और यहाँ के एक्स वैल्यू के डोमेन में, तो यहाँ का एक्स वैल्यू है पाई माइनस एक्स 1 और यहाँ का एक्स वैल्यू है पाई है, तो इस इंटरवल में वैल्यू क्या मिलेगा 0, ठीक है। लेकिन पाई माइनस एक्स 1 पर ये 1 हो जा रहा है, और जब 5 साइन एक्स 1 होगा तो इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा 1 रह जाएगा, तो इसका पॉइंट यहाँ रह जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा, तो यहाँ हमको वैकेंसी दिखानी है। डिक्रीजिंग में वैकेंसी क्या होती है, लेफ्ट में होती है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, 5 साइन इस पोर्शन को जब आप देखेंगे तो 5 साइन एक्स की वैल्यू यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा 1, और जहाँ 2 हुआ उसके नीचे वैकेंसी, उसी तरह यहाँ वैकेंसी, उस तरह यहाँ वैकेंसी, इसी तरह यहाँ वैकेंसी, ठीक है। अब ग्राफ को देखिए कहाँ कहाँ टूटा है, ऐसे बढ़े, x1 पे टूटा, x2 पे टूटा, x3 पे टूटा, x4 पे टूटा, है ना, तो अब देखिए जाएगा 1, 2, 3, 4, चार जगह टूटा है और ठीक चार जगह इधर मिलेगा 1, 2, 3, 4, तो 4 × 2 = 8 हो गया, और एक ये, क्योंकि पाई बाई 2 पर क्या है, आपको यहाँ पॉइंट मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, ठीक है। पाई बाई 2 पर क्या होगा कि ये टर्म जो है पाई बाई 2 पर ये एग्जैक्ट 5 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5,
और पाई बाई टू से जरा सा भी राइट होंगे तो वैल्यू यहाँ से घट जाएगी, यानी फाइव से कम जाएगा, तो उसका इंटीग्रल पार्ट फोर हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या देखें कि साइन एक्स का कोएफिशिएंट फाइव था, तो ठीक मिड पॉइंट पे पाई बाई टू पर वहाँ एक जगह टूटा, और उसके अलावे इस कोएफिशिएंट से एक कम यानी चार जगह इंक्रीजिंग में टूटा और चार जगह डिक्रीजिंग में टूटा, तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी मिल गई, नाइन। ठीक है, देख लीजिए एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, फिर यहाँ से पाई माइनस वन पाई माइनस एक्स टू पाई माइनस एक्स थ्री पाई माइनस एक्स फोर और एक बीच में पाई बाई टू। ठीक है, तो कभी कभी ये सवाल इस तरह से आता है टेस्ट वाला में कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन प्लस पी साइन एक्स, जिसमें आपको दे दिया कि ये एन और पी जो है दोनों इंटीजर्स हैं, है ना, नेगेटिव इंटीजर पी मान लीजिए, कुछ भी दिया पॉजिटिव इंटीजर वगैरह, तो इसमें पूछेगा कि कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो इस एन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये तो ग्राफ को केवल ऊपर करेगा। जैसे अगर थ्री ऐड करेंगे इसमें तो क्या होगा, इसको थ्री रूट ऊपर कर देना है केवल। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है ये वाई इक्वल टू थ्री हो जाएगा, थ्री रूट नीचे एक्स एक्सिस हो जाएगा, इतना ही केवल होगा। तो आपको फोकस इस पर करना है, इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, एक तो पाई बाई टू पे होगा और कोफिशियंट पी से वन लेस इंक्रीजिंग में, यानी पी माइनस वन पॉइंट मिलेगा इंक्रीजिंग में और पी माइनस वन पॉइंट मिलेगा इधर डिक्रीजिंग में जहाँ टूटेगा, और बीच में एक पाई बाई टू पे टूटेगा, है ना, जिसका जवाब आता है टू पी माइनस वन। ठीक है, एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको, कहता है लेट एफ बी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन आर। ठीक है, मतलब रियल नंबर के सेट में एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, और कहता है इफ एफ ऑफ वन बाई फोर टू द पावर एन इज इक्वल टू, ये पूरा एक्सप्रेशन एन में, देन एफ जीरो बराबर कितना होगा एफ जीरो। तो आप इस पर देखिए कि एफ कंटिन्यूअस फंक्शन लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि जब वो कंटिन्यूअस है तो जीरो पे भी कंटिन्यूअस होगा, तो एफ जीरो को हम आर एच एल के बराबर, यानी कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो प्लस एच, है ना, यानी कि फंक्शन ऑफ एच लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो कई बार होता है क्या कि एग्जैक्ट टर्म हूबहू नहीं मिलते हैं, वहां सेंस लगाना पड़ता है। जैसे यहां फंक्शन के अंदर क्या है, एच, एच मतलब टेंडिंग टू जीरो, मतलब एच की जगह कोई भी ऐसा टर्म या नंबर रह सकता है जो टेंडिंग टू जीरो हो, केवल हूबहू एच होना हमेशा जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी एच कहां से लाएं इस एक्सप्रेशन को देखते हुए, तो नहीं दिख रहा है। आप ये देखिए कि अगर हम इसको एन को इन्फिनिटी टेंड करा दें तो फोर टू पावर एन इन्फिनिटी टेंड करेगा, वन बाई फोर टू पावर एन क्या होगा, जीरो टेंड करेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एच की जगह हम कोई भी ऐसा टर्म ले लें जो टेंडिंग टू जीरो हो। तो सपोज कीजिए वन बाई फोर टू पावर एन है वहां एफ के अंदर, और यहां हम एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा देते हैं, तो क्या ये जीरो टेंड करता है, कर जाता है, तो इसी को हम एच समझ लेंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कि दिस इज इक्विवेलेंट टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ वन बाई फोर टू द पावर एन। अगर यहाँ वन बाई एन रहता तो भी यही बात लिखते हैं, बस टेंडिंग टू जीरो उसको हो जाना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, ये हो जाएगा लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी कॉस ई टू द पावर एन, और ये नीचे आ जाएगा पावर निगेटिव, इसलिए फोर टू द पावर एन स्क्वायर प्लस टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, फर्स्ट के बारे में लिखेंगे, ये तो इन्फिनिटी हो रहा है लेकिन कॉस लग गया है या साइन लग जाए, तो एक फाइनाइट नंबर होता है बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन, ये लिमिट्स हम पहले बता चुके हैं, और नीचे क्या है इन्फिनिटी, चूंकि एन इन्फिनिटी है तो एन स्क्वायर इन्फिनिटी फोर टू पाई इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और ये टर्म क्या होगा, जीरो में बदल जाएगा। फिर ये जो सेकंड टर्म है इसमें एन स्क्वायर से डिवाइड कर दिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो जगह टू बाई वन प्लस वन बाई एन माइनस वन बाई एन स्क्वायर ऐसा। ठीक है, तो पहला टर्म हो गया जीरो, सेकंड आ गया टू बाई वन प्लस जीरो प्लस माइनस जीरो यानी टू बाई वन, तो रिजल्ट आएगा कितना टू। इस तरह एफ जीरो जो है वो बराबर एफ एच, और एच की जगह ये रिप्लेस किया गया और वो आ गया कितना टू के बराबर।